ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਕਿ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਲਾਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਣਡਿੱਠੀ ਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠੀ ਮਤਲਬ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਦੇਖੋ आटा तकाली गुण दी एक दिन विचारी नानकी ध्यान नाल पहला पढ़ना है ठीक है आटा तकाली गुण दी एक दिन विचारी नानकी सोचा च ऐदा पै गई सोचा च ऐदा पै गई नानक दी प्यारी नानकी हुण मैं तुहाडे को पुछना इहदे विच किहदी गल कीती जा रही है ठीक है वीरा से जांदा कह गया बहुत वधिया पैरा बेटा ध्यान ना सुनो पैनी करे फरियाद जा उस घड़ी आ जाऊंगा मैनू करेंगी याद जा लोका दिया पैना कदी जद रखड़ी ने बनदिया हूं रखड़ी का त्योहार आ रहा ना बेटा ताई पैरा करवा रही आसा उम्मीदा टुट दिया ओदो ने मन दिया पैरा समझ आ गया हूँ मैं कौन दसेगा इस पैरे के बीच किसकी गल की जा रही है किस व्यक्ति की किसकी गल की जा रही है वेरी गुड लवलीना दिव्या यस लवलीना बेटा लवलीना बेटा मैम गुरु नानक देव जी की भैन उन्होंने बारे गल कर रही है वेरी गुड गुरु नानक देव जी की भैन गल की जा रही है ते केड़े त्योहार की गल की जा रही है नाम किसी बेबे नानकी एक दिन गुरु नानक देव जी की भैन आटा गुन रही सी एक दिन विचारी नानकी गुरु नानक देव जी की भैन नानकी आटा गुन रही सी क्योंकि गुरु नानक देव जी नानकी नूं छड़ के चले गए सन सुल्तानपुर विखे मोदी खाने च नौकरी कर सोचा च ऐदा पै गई ठीक है सोचा च ऐदा पै गई ठीक है आटा गुंदी गुंदी सोचा च डुब गई नानक दी प्यारी नानकी भाव की नानक दी प्यारी प्यारी भैन जो नानक तू बहुत ज्यादा प्यार करती सी ठीक है सोचा च पै गई की सोच रही सी वीरा वीरा मतलब भरा वीरा से जाना कह गया जो वीरा जा रहा मैं छड़ के ते एक गल कह गया सी भैने करे फरियाद जा जो तू फरियाद करेगी मैनू याद करेगी उस घड़ी आ जाऊंगा घड़ी मतलब उस पल ठीक है जिस घड़ी तू मैनू याद करेगी उस पल उस घड़ी उस समय मैं आ जावांगा मैनू करे याद जा जो तू मैनू याद करेगी ठीक है जो होंगे ना कई बार साढ़े भरा भी ठीक है कई ब्रदर बाहर जाते हैं साड़ा भी मन करता ना अपने ब्रदर को मिलने का खास तौर पर अपने वेहिया कुड़िया जिड़िया कुड़िया का विह हो जाता है खास तौर पर रखड़ी से ठीक है जो रखड़ी का त्यौहार आता है उदो कुड़िया अपने भरा की बहुत ज्यादा याद आती है लोगों दिया भैं कदी जब रखड़ी ने बनिया जो लोगों दिया भैं अपने भरावान रखड़ी बनदिया हैं रखड़ी का त्यौहार जो बेटा भैन भरा के प्यार का प्रतीक है आसा उम्मीदा टुटदिया उदो ने मन दिया भाव कि जो भरा ना आवे ठीक है रखड़ी के त्योहार के समय जो भरा ना मिले या भैन भरा रखड़ी ना बन सके या किसी कारण ना मिल सके उस दिन तो उस बेचारी भैन की आस टुट जाती है वह भैन बेचारी बड़ी निराश कई होंगे ना बेटा जो तुम अपने भरा रखड़ी ना बन सको ठीक है बड़ी असं निराश होवे उदास होवे होंगे ना बेटा इस तरह ही होंगे ना हाँ वेरी गुड क्वेश्चन करांगे नानकी कौन सी फर्स्ट क्वेश्चन नानकी कौन सी बेटा तुहानू ए क्वेश्चन एमसीक्यूज दे विच आणगे ठीक है गूगल फॉर्म च टेस्ट आना है बेटा एमसीक्यू दे चार चार ऑप्शन दिते होणगे
यस फर्स्ट क्वेश्चन सुनाओ बेटा, नानकी कौन सी? दिया बेटा, दिया। नानकी श्री गुरु नानक देव जी दी पैन दा नाम है। यस गुरु नानक देव जी दी पैन दा नाम सी। वेरी गुड। नेक्स्ट है बी नानक जांदिया होया की कह गया सी, जब गुरु नानक देव जी जा रहे सन तो अपनी भैन नु की कह गए सन? बेटा सिर्फ टू स्टूडेंट दिया एंड लवलीना, वंशिका, वंशिका। यस मैम, वो कह गए सी कि जब तू याद करेंगी तो मैं उदो ही प्रकट हो जाऊंगा तेरे को। जदो तू मेनू याद करेंगी तां मैं उदो की होवांगा, आ जावांगा। ठीक है, नेक्स्ट है इना 17 दे केड़े त्योहार की गल कीती गई है, किस त्योहार की गल कीती गई है? अष्टमी। इस विच रखड़ी त्योहार की गल कीती गई है। वेरी गुड, केड़े त्योहार की गल कीती गई है? रखड़ी दे त्योहार की गल कीती गई है। नेक्स्ट है रखड़ी दा त्योहार किस दा प्रतीक है? रखड़ी दा त्योहार किस दा प्रतीक है? दिव्या, दिव्या। रखड़ी दा त्योहार पैन दे भरा दे विच प्यार दा पैन भरा दे दा प्रतीक है। पैन भरा दे प्यार दा प्रतीक है। क्लियर है बेटा, सबनों समझ लग गई? पैरा पैरा अच्छा सी ना बेटा, अंडिठा पैरा समझ लग गई ना बेटा? हाँ वेरी गुड। हुण असीं बेटा नैक्सट पैरा करांगे। क्लियर है सबनों पैरा ना? नैक्सट पैरा नाल नाल बेटा नोट कर लेना रफ नोटबुक ते। नैक्सट पैरा असीं करांगे सैकंड पैरा, ध्यान नाल देखो। जे जी वन विच कुछ बन्ना लोचो, लोचो मतलब इच्छा, लोचो का की मतलब है इच्छा, बाकी जे जीवन विच बेटा तुसी कुछ बनना चाहते हो, ठीक है, तरक्की हासिल करना चाहते हो, उच्चियां मंजिलां चढ़ना सोचो, ये तुहाडी सोच है कि असीं उचाई नूं छूईए, सफलता हासिल करिए, तरक्की हासिल करिए, ये तुहाडी अजिही सोच है जिन्हां बच्चियां दी। इको एक खिच लवो लकीर, एक लकीर खिच लो, केड़ी लकीर आ? मेहनत वाली, करो कि अखीर तक मेहनत करते जाओ, ठीक है। जे तुसी कुछ भी बनना चाहते हो, जे कोई डॉक्टर वकील कुछ भी तुहाडी बनन दी इच्छा है, तरक्की हासिल करन दी इच्छा है, लगातार मेहनत करते जाओ, अखीर तक मेहनत करते जाओ, जब तक तुहानू सक्सैस जी तरक्की तुहानू हासिल नहीं हो जाती, ठीक है। जे तुसी तरक्की हासिल करना चाहते हो, उच्चियां मंजिलां नूं छूना चाहते हो, तो तुसी किस तरह छू सकोगे? मेहनत करके, अखीर तक मेहनत करते जाओ, मेहनत दा तुसी पल्ला फड़ के, मेहनत दा तुसी पल्ला फड़ लो, ये किदा पल्ला फड़ लो कि मेहनत दा भाव की मेहनत करनी नहीं छड़नी, ठीक है, मेहनत करी जाना है, ठीक है, पढ़ना है, हिम्मता वाली पौड़ी चढ़ के हिम्मत करो, निराश ना होवो। हुण कई बार होंदा ना बेटा तुसी मेहनत भी करते हो, ठीक है, पर तुसी मेहनत करदे हो कि असीं फर्स्ट आईए सैकंड आईए या कोई एक्टिविटी विच, ठीक है, पार्टिसिपेट करने से बहुत मेहनत करते हो, पर तुसी तुहानू जिहड़ा कि प्राइज फर्स्ट या सैकंड प्राइज नहीं आता तां तुसी निराश हो जांदे हो। बेटा नहीं, निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है, हिम्मत दा पल्ला कदे नहीं छड़ना, ठीक है। जिहड़े बच्चे हिम्मत करना नहीं छड़दे, मेहनत हमेशा करदे हो, इक ना इक दिन बेटा जो कामयाब होंदे, ओने बेटा तुसी हुण कोरोना वर्गी स्थिति दे घर बैठे हो, पर जेडे ऑनलाइन प्रोपर, ठीक है, ध्यान नाल पढ़ रहे हैं, टीचर की गल सुन रहे हैं, ठीक है, प्रोपर अपनी क्लास लगा रहे हैं जिस तरह स्कूल दे विच लगांदे सी, वो बेटा जरूर बच्चे जरूर एक ना एक दिन जरूर सक्सैसफुल होंगे, जरूर तरक्की हासिल करेंगे। पर जेडे बच्चे हम क्लास ही नहीं लगा रहे, ठीक है, क्लास लगा के, ठीक है, इधर उधर चले जाते हो, ध्यान ना सुनते नहीं, फिर थोड़े बेटा तुम तरक्की हासिल होगी। ये बेटा तुम तरक्की हासिल करना चाहते हो, सफलता हासिल करना चाहते हो, तो अध्यापक की, अपने वड्डियां की,
दिती हुई हर सिक्ख्या नूं याद रखो, ध्यान नाल गल सुनो, जो पढ़ाया जा रहा उन्हें समझो, ठीक है, ताई तुसी सफल होवोगे, पाकी मेहनत करो। हिम्मत वाली पौड़ी चढ़ के, हिम्मत दी पौड़ी चढ़ो, नवी सोच वाली लैत शमशीर, सानू अपनी सोच नवी रखनी चाहिए, पुराने ख्याल छड्डने चाहिए, ठीक है, सानू अपने प्यार पुराने ख्याल पापी मेरी तो किस्मत ही माड़ी सी, हम कई बार इसी कहने ना, ठीक है, जो मेहनत ही नहीं करोगे तो बेटा पास कितों होवोगे, ठीक है, मेहनत करोगे, हिम्मत करो बेटा, जरूर बेटा तुसी सक्सेसफुल हो, जरूर तरक्की हासिल करो, अपनी सोच नू बदलो, टाइम के हिसाब न चलो, ठीक है, नवी सोच हो गई है। शमशीर का मतलब है तलवार, शमशीर मतलब तलवार, सानू नवी सोच वाली तलवार फड़नी चाहिए है, ठीक है, अपनी सोच नू नवा रखना चाहिए है, नवे तौर तरीकों नू अपनाना चाहिए है। हिम्मत वाली करो कि अखीर तक हिम्मत करते रहो, जब तक तुसी कामयाब नहीं होते, जब तक जो तुहाडी भलन की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, जेडे बच्चे मेहनत करेंगे तो बेटा जरूर जीवन दे विच तरक्की हासिल करेंगे। समय लगी बेटा ये पहला सब नू क्लीयर है, ठीक है, तो बेटा हुण तुसी ये पहला सिर्फ लिखना ही नहीं है, इहनू अपने जीवन विच ही अपनाना है, ठीक है, हुण आपां जो पढ़ते हाँ जरूरी नहीं सिर्फ आपां पढ़ गया तो पेपर देता, उन्हें अपने जीवन में भी अपनाओ, ठीक है, ताई बेटा उस चीज का फायदा, ठीक है बेटा, उन अपन क्वेश्चन से करा के पहले दे, फर्स्ट क्वेश्चन है, जे असी कुछ जीवन में बनना चाहते हाँ तो सानू की करना चाहिए, जे असी जीवन के विच कुछ बनना, सिर्फ टू स्टूडेंट फोर वेरी गुड, बाकी बच्चे नहीं कुछ बनना चाहते, पनिका दिव्या लवीन शिखा दिव्या वेरी गुड, बाकी सारी क्लास जेदा बेटा सब कुछ वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड गुड हैरियर हैरियर अनम्यूट योरसेल्फ हैरियर बेटा जे असी कुछ बनना चाहते हैं तो सानू की करना चाहिए है हैरियर बेटा अनम्यूट योरसेल्फ मैम चंगी तरह पढ़ना लिखना चाहिए है आते दूसरा असली असली मंजिल हासिल कर सकिए अपनी मंजिल करनी चाहिए है ठीक है जे असि पढ़ना चाहते हैं सानू की करना चाहिए मेहनत करनी चाहिए है पहले क्वेश्चन का आंसर है मेहनत ठीक है तुम्हें पेपर दे विच बेटा ऑप्शन आन गए ठीक है सारे ऑप्शन नु ध्यान नाल पढ़ के ही बेटा तुम जरा कि टिक लगाना है ओके वेरी गुड सेकंड है कभी किस का पल्ला फड़न दी गल कर रहा है किस चीज का पल्ला सानू फड़ना चाहिए है किस चीज का अश्मित अश्मित बेटा अश्मित अनम्यूट योरसेल्फ यस सानू किस का पल्ला फड़ना चाहिए बेटा हिम्मत का हाँ हिम्मत का किसका पल्ला फड़ना चाहिए हिम्मत का पल्ला फड़ना चाहिए है वेरी गुड नेक्स्ट है कवि केड़ी पौड़ी चढ़न की गल कर रहा है कवि मेहनत की पौड़ी यस केड़ी पौड़ी चढ़न की गल कर रहा है कवि कवि मेहनत की पौड़ी चढ़न की गल कर रहा है ठीक है सेकंड क्वेश्चन का भी मेहनत ही सी थर्ड है केड़ी पौड़ी चढ़न की गल कर रहा है हिम्मत वाली पौड़ी चढ़न की गल कर रहा है नेक्स्ट है शमशीर शब्द का की अर्थ है शमशीर दिव्या रियांशी का बेटा रियांशी का मैम तलवार यस शमशीर का की अर्थ है तलवार कवि नेक्स्ट है कवि इन्हों सत्रह केड़ी सोच नू अपनाउन दी गल कर रहा है या केहो जी सोच नू अपनाउन दी गल कर रहा है अर्चिता 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 अनम्यूट योरसेल्फ बेटा पनिका पनिका कभी इस विच नवी सोच नू अपनाउन दी गल कर रहा है यस केड़ी सोच नवी सोच केड़ी सोच अपनानी चाहिए सानू नवी सोच अपनानी
चाहिए है। वेरी गुड बेटा, क्लियर है सब पैरा? क्लियर है, हम असि नेक्स्ट पैरा करांगे बेटा। नेक्स्ट पैरा तीजी मां पंजाबी बोली, तीजी मां पंजाबी बोली तीजी मां पंजाबी बोली टाइम हो गया बेटा, मैं ऐसे ही करवा दी है पैरा, लिखांगी नहीं। तीजी मां पंजाबी बोली ध्यान ना सुनो, बचपन विच मां पासों सीखी, बचपन विच असी मां पासों सीखी। नजम नसर, ठीक है, दो वर्ड आए, एक नजम एक नसर, ठीक है, नजम नसर, नजम नसर बोली ते लिखी। मतरेइयां नू परे हटा के, मतरेइयां नू परे हटा के पटरानी तख्त बिठाया, एहो जही मनोहर मनोहर मिठी, होर कोई बोली नहीं रिठी। हुन इस काव टोटे विच कवि किस दी गल कर रहा है, ध्यान नाल बेटा सुनिया, किहदी गल कीती है? आस्था, आस्था बेटा, आस्था मैम, देयर इज अ फेक आईडी, मैम देयर इज अ फेक आईडी ऑफ माय नेम। ओके, इस पैरे विच कवि किस दी गल कर रहा है? लवलीना बेटा, लवलीना मैम मां बोली पंजाबी दी गल कर रहा है। यस, मां बोली पंजाबी दी गल कर रहा है। ते बेटा ए पाठा से किथों सीखदे हां? दिव्या, ए पाठा से मां पासों सीखदे हां। यस, ए पाठा से किथों सीखदे हां? अपनी मां कोलो, बचपन दे विच इस भाषा दे विच असी बेटा लोरियां सुनदे आए हां, ठीक है। नजम तोती मांझी पहनी बची, भाव की भाषा बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी पवित्र भाषा है, ठीक है। नजम नसर बोली ते लिखी, नजम नसर दा मीनिंग है नजम की है कविता ते गजल दा रूप हुंदा है, ठीक है। नजम की है कविता ते गजल दा ही रूप है, ठीक है। नसर मतलब साहित्य हो रूप, जिवे कहानी होगी और कविता होगी, नाटक हो गया, नावल हो गया। नसर मतलब साहित्य दे रूप अलग अलग, नजम मतलब कविता दे गजल, ठीक है। नजम नसर बोली ते लिखी, इस भाषा में बहुत सारिया कवितावां साहित्य रचिया गया। मतरेइयां नू परे हटा के, भाव की दूसरिया भाषावां नू परे हटा के, ठीक है, उर्दू पंजाब उर्दू हिंदी, ठीक है, बाकी भाषावां नू ने परे हटा के अपना एक स्थान बनाया है, पटरानी तख्त बनाया, भाव की जिहड़ी भाषा है पंजाबी भाषा एक पटरानी तरह है, ठीक है, एक पटरानी तरह, एक रानी तरह, भाव की इस भाषा का जिहड़ा सत्कार है सारे लोग करते हैं। एहो जिही मनोहर मिठी, एहो जी कोई होर भाषा नहीं है जिनी मिठी पंजाबी, उन्नी कोई होर बोली नहीं, हर कोई बोली नहीं मिठी, ठीक है। जिनी भाषा ए ज्यादा जी मिठी है, मनोहर है, होर कोई भाषा बेटा इन्नी मिठी भाषा नहीं है। फिर दोबारा कर रही हां, तीजी मां, तीजी मां, तीजी बोली केड़ी की है? पंजाबी नहीं, तीजी मां पंजाबी बोली, ठीक है। कवि ने तीजी भाषा किनू कहा है? पंजाबी भाषा नू, ठीक है। पहलियां दो ने अंग्रेजी ते हिंदी नू किया है, तीजी भाषा पंजाबी भाषा नू किया है, जिहड़ी भाषा बेटा असी मां कोलों सिखदे हां, ठीक है। भाषा बड़ी धोती हुई है, सवरी हुई है। नजम एदे विच बहुत सारे गजल कवितावां नाटक नावल लिखे गए। बाकी भाषावां नू, भाव की मतरेइयां जिहड़ी बाकी भाषावां नू ने परे हटा के एक स्थान बनाया है, किन्ने? पंजाबी भाषा ने, ठीक है। जिन्नी मिठी भाषा ए है उन्नी कोई होर मिठी भाषा नहीं है। क्लियर है बेटा, सब नू समझ आ गई पैरा ना? तीजी भाषा किनू किया गया इस पैरे विच? पंजाबी बोली नू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां बोली किहो जी है? बड़ी मिठी है, बड़ी मनोहर है। ते थर्ड क्वेश्चन है, मतरेई भाषा किनू किया गया है? मतरेई दूसरिया भाषावां नू किया गया है। क्लियर है बेटा सब नू क्वेश्चन है वाले? ते बेटा तुहाडा नेक्स्ट टेस्ट थर्सडे नू एनडीटी काव टुकड़ी दा है, ते दूसरा बेटा मुड़ वेख्या पिंड दा, ते एमसीक्यूज़ दे विच गूगल फॉर्म दे विच आएगा। ओके बच्चा, बाय बाय बच्चा।